तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में भाई आपका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं भाई ये बात करने वाला हूँ कि भाई हमारी कार सेलर सिमुलेटेड डीलरशिप गेम है। ये गेम भाई क्यों बैन होने जा रही है, जैसे कि भाई आपने थंबनेल में देखा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बैड न्यूज होने वाली है। और जो भाई रियल कार फॉर सेल खेलते हैं और जो अनदर गेम खेलते हैं भाई, उनके लिए कोई बैड न्यूज नहीं है। और आपके लिए भाई बैड न्यूज है जो कार सेलर सिमुलेटर सब खेलते हैं। तो भाई जो अनदर गेम खेलते हैं भाई, वो भी यार वीडियो को देख लें यार, आपका क्या चले जाएगा एक वीडियो देखने में। और भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। तो चलो भाई मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको बता दूं कि भाई हमारी कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप क्यों बैन हो रही है और भाई क्या रीजन है इसके पीछे। तो भाई जो हमारी कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप गेम है भाई, कॉपी गेम है। जो जैसे कि भाई प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारी गेम मिल जाएंगे जो कि कॉपी वर्जन है कार फॉर सेल रियल की। तो भाई जो मोबाइल में भाई रिलीज हुई है रियल कार फॉर सेल, उसके जो ओनर भाई रेंटेक्स गेमिंग, उन्होंने भाई एक डिस्कॉर्ड पर मैसेज डाला था जहाँ पर लिखा है कि भाई जितने भी कॉपी गेम्स है जैसे कि कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप, वो सारी भाई बैन होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और स्पेशली भाई हमारी कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप बिल्कुल मेंशन किए उस मैसेज में। इसका मतलब भाई ये हमारी गेम है भाई, ये जल्दी बैन होने वाली है यार। मैं तो भाई बहुत ज्यादा सैड हूँ कि भाई इस गेम को मैं बहुत ज्यादा खेलता हूँ और देखता हूँ ऊपर भाई कितने दिन है मैंने भाई इसमें रेयर कार ढूंढी है और भाई देखता हूँ मैंने कितना बड़ा शोरूम बनाया है। और जो भाई इस गेम को भाई लगातार खेलता है भाई, उनके 1000 दिन से ऊपर है, उनको तो भाई बहुत ज्यादा सैड होंगे वो। बाय द वे आप कमेंट में राय बताना कि भाई ये गलत है या सही है। तो गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही था भाई, मैंने आपको बताया कि भाई हमारी गेम क्यों बैन हो रही है। बाय द वे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।